साथियों, आज मैं आपको इस समग्रम ध्यान केंद्र के बारे में विस्तार से बताना चाह रहा हूँ। ये समग्रम एक ऐसा संस्थान है जो पूरे होलिस्टिक कंसेप्ट पे काम करते हैं और यहाँ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल से लेके और एनवायरमेंटल, सोशल और एजुकेशनल इश्यूज पे भी काम होता है। यहाँ जो विभिन्न आयाम है उसमें ध्यान के ऊपर भी विशेष महत्व है। यहाँ हमने पिरामिड के ऊपर विशेष तौर से जोर दिया है और अंदर हमने ध्यान केंद्र पे काफ़ी पिरामिड स्थापित किए हुए हैं। यहाँ पे योग चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा और अल्टरनेटिव थेरेपीज की भी सुविधा है। आइए सेंटर का अवलोकन करते हैं। आइए, इस संस्थान में हरियाली यानी ग्रीनरी, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट और हेल्थ मैनेजमेंट सभी इश्यूज पर काम होता है। तो हम सबसे पहले हमारे नीचे के केंद्र को दिखाना चाहेंगे आपको। यहाँ पर एक छोटा सा स्विमिंग पूल है और ये जैसे ही अभी समर्स आएंगी, अप्रैल से लेके और लगभग अगस्त सितंबर तक हम इसको फुल रखते हैं और इसमें वाटर थेरेपीज भी हम विशेष तौर से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है। तो ये जो बुद्धा का आपको स्टेचू दिख रहा है उसके साथ ही ऊपर से एक वाटरफॉल आता है और यहाँ एक ये 7 फीट बाई 7 फीट का एक पिरामिड लगाया गया। इसकी डेक पर बैठ करके हम पूल के किनारे सुबह शाम कई बार हम ध्यान का अभ्यास करते हैं या यहाँ पर म्यूजिक चला करके आनंद करते हैं। यहाँ पर जो प्राकृतिक चिकित्सा और अल्टरनेटिव थेरेपीज की भी काफ़ी सुविधाएं हैं। यहाँ योग के अलावा प्राकृतिक चिकित्सा की विभिन्न सुविधाएं हैं जिसमें मिट्टी, जल चिकित्सा, मालिश, फिरोधारा और स्टीम बाथ वगैरह सभी है। समय समय पर यहाँ एक्यूप्रेशर की चिकित्सा होती है। आहार से संबंधित कार्यशाला भी हम यहाँ पर समय समय पर करते रहते हैं और यहाँ चक्रा ध्यान और विशेष तौर से रेगुलर मेडिटेशन के द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं कि ये एक समग्र चिकित्सा का आधारभूत स्थान बने जहाँ पर न केवल फिजिकल एक्सरसाइजेस के लेवल पर बल्कि मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पर भी काम हो। आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे चिकित्सा को भी हम इसमें शामिल करना चाहते हैं। आइए हम अंदर से देखते हैं। ये एक हमारा हॉल है। इस हॉल में विभिन्न तरह की वर्कशॉप्स होती हैं और इसका आप समझ बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ का एक की फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट लिखा है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो होलिस्टिक वेलनेस को प्रमोट करना है और हेल्थ और हारमोनी एंड हैप्पीनेस को जीवन में अचीव करना है। सो यही यहाँ का मुख्य मुद्दा है। इसका सबसे पहला जो महत्वपूर्ण आधार है वो ध्यान चिकित्सा है। पिरामिड का उपयोग करते हुए यहाँ ध्यान के बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये एक सीरीज ऑफ पिरामिड्स इस तरफ भी हैं और आप फोन के उस तरफ भी आप देखेंगे तो लगातार पिरामिड्स लगे हुए हैं। इनके नीचे बैठ करके हम जब ध्यान करते हैं हमारा कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, हम मेडिटेशन करते हैं। यहाँ पर संगीत की भी चिकित्सा होती है और उसके अलावा आपको मैं एक विशेष तौर से एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये जो 7 कलर पोस्टर्स हैं तो ये हर पोस्टर जो है एक चक्रा से जुड़ा हुआ है। ये रूट चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, मणिपूरक चक्रा, ये अनाहत चक्रा, विशुद्धि चक्रा और ये आज्ञा चक्रा और ये जो है सहस्त्रधार चक्रा का, ये अलग अलग कलर के चार्ट्स हैं जिनका उपयोग करते हुए
चक्रा संबंधित ध्यान भी करते हैं, इनके ऊपर पिरामिड भी है और इन्हीं कलर्स की लाइट्स का उपयोग करने की भी यहाँ पर सुविधा है। यहाँ चेयर पिरामिड्स भी स्थापित हैं। कुछ हमने ये चेयर पिरामिड्स बनाए हैं, इन पिरामिड्स में यहाँ पर हम एक और पिरामिड रखते हैं, या तो ब्रास का पिरामिड या कोई दूसरे पिरामिड रखे, इसके नीचे बैठ करके भी हम ध्यान यहाँ पर आयोजित करते हैं। थोड़ा सा गहन ध्यान और काउंसलिंग के लिए एक विशेष कक्ष का ये निर्माण किया गया है। यहाँ आप देखेंगे कि हमने यहाँ चक्रा हीलिंग की दृष्टि से ध्यान को विशेष तौर से प्रसारित किया है और ये परामर्श के लिए और कुछ काउंसलिंग के लिए और इंटेंसिव थेरेपीज के लिए भी इस कक्ष को हम उपयोग करना चाहते हैं। आइए और सुविधाओं का अवलोकन करते हैं। कक्ष में हम प्रारंभिक परामर्श करते हैं और यहाँ पर भी विभिन्न थेरेपीज जो है एक्यूप्रेशर, फूड वर्कशॉप और विभिन्न तरह की सुविधाएं यहाँ पे शिरोधारा और इनकी भी सुविधा है। इसके अतिरिक्त आइए यह एक विशेष कक्ष है जो डिटॉक्स थेरेपीज के लिए है। यहाँ पर जैसे ये स्टीम बाथ की सुविधा है तो ये एक स्टीम चेंबर है जिसमें स्टीम थेरेपी लेने की सिस्टम है और यहाँ पर जैसे ये कटी स्नान की सुविधा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बॉडी डिटॉक्स के लिए एनिमा की सुविधा है। यहाँ पर योग चिकित्सा जैसे शंख प्रक्षालन, नेति और धोती, ये सब क्रियाएं भी यहाँ पर कुंजल वगैरह भी यहाँ कराया जाता है। आइए ऊपर भी हम कुछ सुविधाओं का अवलोकन करते हैं। यहाँ से अगर आप एक ओवरव्यू लेते हैं तो ये हमारा बेसमेंट क्षेत्र है जिसमें हम अभी और गार्डनिंग वगैरह भी आगे करना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ हर्बल प्लांट्स पे विशेष तौर से जोर दिया गया है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत तरह की जड़ी बूटियाँ लगी हुई है। ये एलोवेरा है, जंगली अजवाइन है, ये केथारेंथस रोजियस की कुछ प्लांट्स हैं, कुछ ये मरवा के प्लांट्स हैं। ये एक विशेष प्लांट है जो हट जोड़ के रूप में काम आता है, इट्स गुड फॉर जॉइनिंग बोन्स। और इसके अलावा ये तुलसी है, ये एक बहुत ही विशेष मेडिसिनल प्लांट है अकरकरा। मतलब पास से दिखाइए, ये अकरकरा का प्लांट है एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर वोकल कॉर्ड थेरेपी। ये लेमन ग्रास है, ये गिलोय है, ये करी लीव्स का प्लांट है, ये तुलसी है। इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स का यहाँ उपयोग करते हैं और ये जो जैसे लेमन ग्रास है और तुलसी, अगर इनको हम फ्रेश लीव्स के साथ हर्बल ड्रिंक, हर्बल टी कह सकते हैं, आई डोंट वांट टू यूज़ टी वर्ड, लेकिन हर्बल ड्रिंक इसका बना करके हम हनी या जैगरी के साथ या स्वीटनर्स के साथ जो यहाँ के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डाल के भी उपयोग करते हैं। और इसके अलावा ये जो पूरा गार्डन है यहाँ पर कई तरह की सब्जियाँ भी हम प्रोड्यूस करते हैं, तो जैसे लौकी, तुरई, पालक, मेथी, धनिया, ये सब अभी भी लगे हुए हैं। और आइए ऊपर हम और भी सुविधाओं का अवलोकन करते हैं। तो पहले हम लाइब्रेरी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर एक लाइब्रेरी की भी सुविधा है। ये
आइए इस लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं। यहाँ पे बहुत सारी मैगजीन्स आती है, यहाँ पे ध्यान जगत और पिरामिड जगत की पुस्तकें भी आती है, मैगजीन्स भी आती है, और उसके अलावा ये बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स यहाँ पर है, मतलब जो धर्म से संबंधित, महावीर, बुद्ध, योग, प्राणायाम, थेरेपीज, और ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे कुछ बुक्स है। कुछ और भी यहाँ पर है जिनको हम आगे जाके अरेंज करेंगे, और यहाँ पर एक्यूप्रेशर की भी समय समय पे वर्कशॉप्स हुई है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ एक्यूप्रेशर चार्ट्स भी यहाँ पर, रेडियन चार्ट्स है, ह्यूमन बॉडी एनर्जी क्लॉक्स है, ये फूड रिफ्लेक्सोलॉजी का चार्ट है, तो इस तरह से ये भी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। आइए आगे ऊपर चलते हैं। इस फ्लोर पे ये एक विशेष कक्ष बनाया गया है, और इस कक्ष में ध्यान के अलावा और कुछ नहीं है, ये मौन कक्ष है। इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह की आवाज़ ना हो। यहाँ पे विशेष तौर से ये 8 पिरामिड्स लगाए गए हैं, तो ये 8 पिरामिड्स के नीचे बैठ करके और हम यहाँ पे ध्यान कर सकते हैं। म्यूज़िक सिस्टम है और ईयरफोन्स के साथ यहाँ पर बैठ के, और ये 6 पिरामिड्स भी हमने 3-4 पिरामिड्स बना रखे हैं, तो उनके नीचे चेयर लगा करके भी हम ध्यान कर सकते हैं। और ये एक इसमें इस चेयर पिरामिड में हम विशेष तौर से कुछ मॉस्किटो नेट्स की व्यवस्था कर रखी है, ताकि चेयर के बाद हम मॉस्किटो नेट रख करके और छत पे बैठ सकते हैं। आइए छत भी देखते हैं। इस छत पर ये एक ओपन फ्रेम पिरामिड हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया है, मून नाइट्स के दौरान हम यहाँ पर बैठ के फुल मून पे मेडिटेशन करते हैं, और भी हम इसका उपयोग करते हैं। एक सन बाथिंग पिरामिड भी है, और एक पिरामिड के नीचे हम सन बाथ और योगा थेरेपीज वगैरह भी करते हैं। अभी यहाँ पे एक गार्डन भी हम डेवलप करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसका और गार्डनिंग हम इसको साथ कर रहे हैं। और यहाँ पे एक गार्डनिंग के बारे में एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा कि हमने कुछ फ्रूट प्लांट्स यहाँ पे लगाए हैं, क्योंकि लार्ज कंटेनर्स में ये चीकू है, ये सीताफल है, ये अनार है, ये नींबू है, उधर कुछ मौसमी के पौधे हैं, तो उनमें अभी फ्लावरिंग भी हो रही है, लास्ट ईयर इसमें सीताफल भी आए हैं। तो वी वांट टू शो कि हम घर पे हम फ्रूट गार्डनिंग, वेजिटेबल गार्डनिंग, हर्बल गार्डनिंग और ऑर्नामेंटल गार्डनिंग सब कर सकते हैं। इस हाउस की कुछ 4 और विशेषताएं हैं कि हम यहाँ पर 0 कार्बन फुटप्रिंट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो एक तो हमने ये जो सोलर पैनल्स लगाए हैं यहाँ की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो इससे हमारी एनर्जी पूरी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास सोलर कुकर भी है, तो हम इसमें सोलर कुकिंग करते हैं, हमारा खाना इसी में बनता है, और तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट इस हाउस की इसलिए कम है कि ये पूरा डे लाइटेड हाउस है, काफ़ी ओपन है, ग्लेज्ड है, चारों तरफ से खुला है, टेरेसेस हैं, तो उसकी वजह से दिन में रोशनी की आवश्यकता की कम पड़ती है, ऊर्जा की हम कई तरह से बचत करते हैं, तो वी आर ट्राइंग टू रीच एनर्जी मिनिमाइज एनर्जी फुटप्रिंट। दूसरा है कि हम यहाँ का छत का जितना भी पानी है, हमारे नीचे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, तो उसमें हम यहाँ इतना रेन वाटर हार्वेस्ट कर लेते हैं जितना हम साल भर में कंज्यूम नहीं करते, सो वी आर क्रिएटिंग 0 वाटर फुटप्रिंट। तीसरा है कि हमारा वेस्ट का जो उपयोग है वो यहाँ से जितना भी वेस्ट निकलता है उसके हम मड पॉट्स में, वो ऊपर आपको एक सीरीज ऑफ मड पॉट्स थोड़ा दूर से दिख रहे होंगे, उनमें हम कंपोस्टिंग करते हैं, तो होम कंपोस्टिंग से हम यहाँ के वेस्ट को पूरा उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम प्लास्टिक की चीज़ों को भी हम कम से कम रीयूज़ करने का प्रयास करते हैं, जैसे ये पेंट के डब्बे हैं, या आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये बहुत सारे वेस्ट कंटेनर्स है,
इनको भी हम प्लांट्स ग्रो करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो वी आर कंट्रीब्यूटिंग जीरो वेस्ट टू दी म्यूनिसिपल सिस्टम। हम हर चीज़ का रिसाइकलिंग करते हैं, दिस इज थर्ड कंसेप्ट। और फोर्थली हम यहाँ पे समय समय पे फूड वर्कशॉप्स भी करते हैं। सो इस सेंटर का उद्देश्य है कि हम समग्र रूप से ऐसा जीवन जिए जो कि एक बैलेंस्ड हो, पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षित करने वाला हो, हम जीरो कार्बन फुटप्रिंट की तरफ बढ़ें। दूसरा आस्पेक्ट है कि हम स्वास्थ्य के लिए पूरा जागरूक रहें, होलिस्टिक हेल्थ के कंसेप्ट्स को यूज़ करें। और तीसरा और उससे भी बड़ा है कि हम अब आध्यात्मिक दृष्टि से इस सेंटर को उपयोग करने की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हम स्पिरिचुअल थेरेपीज़ को भी यहाँ पर इंकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं, ताकि जो भी लोग यहाँ आके अपना दिन भर बिताएं, अपने साथ सप्ताह बिताएं, महीना बिताएं, एक आश्रम की तरह का जीवन जिए और यहाँ से एक उन्नत जीवन लेकर के जाएं, स्वस्थ जीवन लेकर के जाएं, सुखी होकर के जाएं, यही हमारे यहाँ का उद्देश्य है। आज मैं इतना सा ही बताना चाहूँगा, फिर कभी और आगे इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।